अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, फिट फाट होंगे। दोस्तों आज मैं पटोनिया की पनीरी लगा रहा हूं और आप दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करूंगा। पहले हमने इधर मैरीगोल्ड लगाए थे सारे, तो इसका सीज़न अब ख़त्म हो गया, तो ये कुछ प्लांट बाकी हैं, इन पर अभी फ्लावरिंग ठीक थी, सर्दी की वजह से ख़राब नहीं हुए, तो इसी में अब मैं ये गुलाब वाली क्यारी है, इसी में लगाऊँगा ये पटोनिया की पनीरी। तो इसकी कीमत 120 रुपए का ये मिलता है गमला, ये तकरीबन 7 इंची का गमला होता है, 120 रुपए इसकी कीमत है। तो ये नर्सरी से आसानी से मिल जाता है, क्योंकि ये भी सीज़न बाई सीज़न होती है। तो अभी फरवरी का महीना तकरीबन शुरू हो जाएगा, ये आज 27 तारीख हो चुकी है, तो ये हम लगा रहे हैं, ये नर्सरी से हमने ये परचेज़ किए हैं, तो 120 रुपए का हमें मिला ये। तो इसकी मुख्तलिफ कलर हैं, ये वाला वाइट है पहला, ये दूसरे वाला ये वाला रेड है, और ये वाला स्टार कलर है, डबल शेड है इसकी, और ये वाला ब्लू है। तो ये भी देखते हैं इसमें एक गमले में ये कितने पौधे होते हैं। तो अभी मैं लगाऊंगा यहाँ पे, इधर तो ये हमारे लगे हुए हैं पहले फूल मैरीगोल्ड के, तो इसी के आगे इधर ये खाली पड़ी है क्यारी, क्योंकि ये पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी गुलाब की, तो वो अब हमने कवर कर दिए सारे, इसमें गोबर वगैरह जो खाद थी वो डाल के हमने सारे कवर कर दिए हैं। तो इसी में दोबारा क्यारी में हमने गोबर खाद भरी है, तो ये आप देख रहे हैं। तो पहले अच्छी तरह हमने इसे गोड़ लिया है, उसके बाद हम ये लगाएंगे। तो दोस्तों वीडियो पूरी देखते रहना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो एक एक पौधा हम निकालेंगे और लगाएंगे इधर, इसी के साथ लगाऊंगा। ये भी 200 बाज़ार से मिल जाता है आसानी से, तकरीबन 300 रुपए का मिल जाता है। ये गमलों में गोडी वगैरह करने के बहुत काम आता है, वैसे भी कोई प्लांट वगैरह निकालना हो तो इसे बहुत इजीली निकल जाता है। अगर गार्डन से घास वगैरह जंगली निकालना हो तो बहुत इजी इसलिए निकलता है, ये इसीलिए बनाया गया ये गार्डन से घास वगैरह जंगली निकालने के लिए। दोस्तों ये सीज़न बाई सीज़न होता है इसकी, पहले एक बेड बनाएंगे हम, पहले एक कलर लगा लेंगे उसके बाद हम दूसरा कलर लगाएंगे। तो इसमें बड़े बड़े भी होते हैं पौधे, छोटे भी हैं, इतने फासले पे हम लगाते जाएंगे। मिट्टी नरम है, ये हाथ से भी आसानी से लग जाएगा, इसमें तकरीबन 8 इंची का फासला हमने रखा है, और इसी तरह हम लगा देंगे इधर ये सारी की सारी। तो मैरीगोल्ड का दोस्तों ये इसका सीजन खत्म हो चुका है, दोस्तों बीच बीच में लगे हैं मैरीगोल्ड के प्लांट, तो अभी इन पर फ्लावरिंग है, अभी हम इसे नहीं इसे ख़त्म नहीं करेंगे, सिर्फ हम इसके साथ ये पटोनिया भी लगा देंगे। जब ये इसकी फ्लावरिंग ख़त्म हो जाएगी तो तब हम ये मैरीगोल्ड सारे निकाल देंगे, तो सिर्फ ये पटोनिया की पनीरी रह जाएगी, तो इसके काफ़ी अच्छे खासे प्लांट बन जाएंगे। सिर्फ ये एक ही प्लांट है, इतना बड़ा पौधा है इसका। दोस्तों आप भी अगर नर्सरी से पनीरी खरीदते हैं इस तरह, तो अच्छी अच्छी ग्रोथ वाला आप खरीदा करें, जो पॉन्ट होता है तो वो जल्दी तैयार हो जाता है, जल्दी फ्लावरिंग उस पर आ जाती है।
ये पटोनिया के 12 पौधे थे एक ही एक गमले में, जो 120 रुपए का मिलता है हमें। तो ये वाला ख़त्म हो गया पूरा, ये हमने लगा दिया है। तो अब दूसरा कलर हम लगाएंगे इसी तरह। तो जब ये इस पर फ्लावरिंग आ जाएगी तो इसकी एक बेड बन जाएगा डबल शेड। एक हमने स्टार कलर लगा दिया है, आगे हम इसके रेड लगाएंगे, उसके बाद वाइट लगाएंगे हम आगे। तो इस तरह ये एक स्टेप बाय स्टेप हमारा एक बेड बन जाएगा। अब स्टार कलर के आगे हम रेड कलर लगाएंगे, अब रेड कलर का बेड बना लेंगे। तो दोस्तों आप वीडियो पूरी देखते रहें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस तरह की आपको वीडियो मिलती रहेगी। बीच बीच में बात करता जाऊं, आप दोस्त बोर ना हों। इसकी बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग होती है ये पटोलांट की। हम इसे गमले में भी लगाएं तो तकरीबन 1 से 2 प्लांट लगाएं हम गमलों में। तकरीबन 10 इंची का गमला है तो हम 2 प्लांट लगाएं उसमें। प्लांट काफ़ी फैल जाता है, तकरीबन 1 फुट तक इसकी हाइट बढ़ जाती है इस प्लांट की। तो बहुत ही खूबसूरत इसकी फ्लावरिंग होती है। ये तकरीबन 10 से 12 कलर इसके होते हैं। तो जी दोस्तों, 2 हमने कलर कंप्लीट कर दिए हैं, ये वाइट और ब्लू रह गए हैं, अब हम इसे लगाएंगे। तो जी दोस्तों, पहले हमने स्टार कलर कंप्लीट किया, उसके बाद रेड, अब हम वाइट लगाएंगे इसके आगे। ये 3 बेड बन गए हैं 3 कलर के, उसके बाद हम ब्लू कलर लगाएंगे। जी दोस्तों, ये पटोनिया की पनीरी कंप्लीट हो चुकी है, पानी भी हमने साथ ही लगा दिया इसके। ये स्टेप बाय स्टेप हमने सारे कलर लगाए हैं। तो एक जब इस पर फ्लावरिंग आएगी तो इंशाल्लाह ये खूबसूरत बेड बन जाएगा। तो ये साथ ही मैरीगोल्ड है, और मैं आपको फ्लावरिंग दिखाता हूँ नरगस की। तो इसकी बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग होती है, पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई है। ये भी सीज़न बाई सीज़न होती है, तो उसके बाद ये भी ख़त्म हो जाती है। तकरीबन ये अप्रैल में इसकी सारी जितनी भी ये ग्रोथ पत्तियाँ सब ख़त्म हो जाएंगी। तो ये एक ही स्टिक पे तकरीबन ये 5 से 6 फूल निकलते हैं। तो ये भी एक बल्ब्स होता है, बल्ब्स ही लगाया जाता है। तो ये सारा ख़त्म हो जाता है, इसी तरह ये ज़मीन में ही रहता है। तो उसके बाद जब इसका सीज़न आता है तब इस पर ग्रोथ आ जाती है। अगर छोटी सी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।